पूजा, आज मेरा बरसों का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। आज तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने हो और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम चाहे जो भी कर लो अंगराज, मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मेरे नरेन बसते हैं। भूल जाओ नरेन को पूजा, अब तुम बस मेरी हो। तभी तो मेरे लिए सच धज कर आई हो ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब तो मैं अपने नरेन की सलामती के लिए कर रही हूँ। अंगराज का दीवानापन, पूजा की मजबूरी, पिया बिन पूजा की काली सुहागरात, भैया आज तो अंगराज ने हद ही कर दी। उसने पूजा को मजबूर कर दिया दुल्हन बन उसके पास आने के लिए। यहाँ पे आने के बाद उसे उसकी असली माँ मिली, परिवार मिला, इतना व्यास मैंशन का वारिस है वो, बट उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसकी सुई एक ही जगह पे अटकी है, वो है पूजा, जिसे बचपन में देखा था, प्यार हो गया था, भाई चाहिए। अंगराज की जिद के आगे पूजा भी मजबूर है। भाई उसे अपने नरेन का पता जो चाहिए और इसीलिए बेचारी बुझे मन से 16 श्रृंगार कर रही है और अंगराज की हर शर्त मान रही है। लेकिन सेज पर बैठकर उसने नरेन का नाम ले लेकर अंगराज को जी भर कर चलाया। एंड आज की रात है जिसके लिए उसने आठ साल दो महीने नौ दिन का इंतजार किया था और फाइनली आज वो रात है जहाँ पे वो पूजा को अपना बनाना चाहता है। और एट द सेम टाइम उन्होंने पूजा उसे छेड़ रही है बार बार नरेन का डुप्लीकेट कह कह के, और ये बात उसे इतनी इरिटेट करी कि आज तो मतलब पता नहीं यार कुछ तो कर लेगा। पूजा की बातों से आखिरकार अंगराज खो बैठा अपना आपा और टूट पड़ी पूजा पर आफत। नरेन की हर याद को मिटा दूंगा। अब देखना होगा कि पूजा कैसे अंगराज से अपनी इज्जत बचाएगी और साथ ही अपने नरेन का पता लगाएगी। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो।